हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सो वेलकम टू द CM कॉमर्स कोटा एंड आल्सो वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। आज हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है, वो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग होता है वो जनरली वेल्थ से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? वेल्थ से। वेल्थ का मतलब होता है धन, धन का मतलब है पैसा। मतलब जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? वेल्थ। मीन्स इकोनॉमिक्स रिलेटेड ही किससे होती है? वेल्थ से। मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो रिलेटेड ही किससे होती है? पैसे से रिलेटेड होती है। यहाँ पर हमें दो पोर्शन पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट हम फर्स्टली पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। लार्ज स्केल पर चलती है वो पूरी कंट्री के बेस पर चलती है, और माइक्रो है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के बेस पर चलती है, ठीक है? तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कौन होते हैं, उनका नाम क्या है। तो सिर्फ आपको उनका नाम याद रखना है कि बेसिकली जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो बोला जाता है प्रोफेसर एडम स्मिथ को। स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो रिलेटेड किससे होती है? वेल्थ से। किससे रिलेटेड होती है? वेल्थ से रिलेटेड होती है। सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बताया था, और इन्होंने वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन दी है जिसकी वजह से ही इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जहाँ पर हम काम करते हैं और हम काम के बदले में हमें वहाँ पर पैसा मिलता है। मतलब इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हमें काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, काम करने का अवसर मिलता है, और उस काम करने के अवसर के बिहाफ पे हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। क्योंकि देखिए, हम जब कुछ भी काम करते हैं तो काम हम फ्री में तो करेंगे नहीं। कोई करेगा फ्री में काम कि हाँ भाई साहब हम तो काम करेंगे और हम आपसे कुछ भी पैसा नहीं लेंगे? कोई करता है ऐसा? कोई नहीं करता। अगर आप किसी का छोटा सा भी काम कर रहे हो तो आपको उसके बदले में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर दो बातें होती है। पहली बात क्या है? मींस टू वर्क, मतलब हमें काम करने का मौका कहाँ मिलता है? इकोनॉमी में मिलता है। दूसरी बात अर्न अ लिविंग, मतलब हमें पैसा कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर हम काम करते हैं। और हम कहाँ पर काम करते हैं? हम काम करते हैं इकोनॉमी में। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि हमें काम करने का मौका मिलता है और उसके बाद हमें पैसा मिलता है जो हम हमारे कंजप्शन पर, जो भी हमारी डिज़ायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अब उसके आगे हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी दो टाइप की होती है जनरली। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इकोनॉमी, और सेकंड हम बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी। किसकी बात करते हैं? क्लोज। दो टाइप की होती है ये। पहली तो होती है ओपन इकोनॉमी और सेकंड होती है क्लोज इकोनॉमी। अगर हम ओपन इकोनॉमी में की बात करें तो ओपन इकोनॉमी में दो बातें होती है। हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं ओपन इकोनॉमी में, बट क्लोज इकोनॉमी में हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ पर आप ये पूछोगे कि सर इम्पोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है, तो मैं वो वाली चीज़ भी आपकी क्लियर कर देता हूँ। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री से किसी भी तरह का गुड परचेज करती है तो वो क्या होता है? वो होता है इम्पोर्ट। एक कंट्री, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक कंट्री दूसरी कंट्री से किसी भी टाइप का गुड अगर परचेज करती है तो वो क्या कहलाता है? वो ये कहलाता है इम्पोर्ट।
और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है एक कंट्री दूसरी कंट्री को किसी भी टाइप का गुड क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो वो क्या होता है एक्सपोर्ट। मींस अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगे, मींस अगर किसी भी तरह के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगे तो वो वाली इकोनॉमी कौन सी होगी, वो वाली इकोनॉमी होगी ओपन इकोनॉमी। और अगर किसी भी तरह के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे, मींस जो भी सेल परचेज या कुछ भी चल रहा है वो अगर विद इन द कंट्री चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी क्लोज इकोनॉमी। यहाँ पर नो इम्पोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट, मीन्स यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी में एक्सपोर्ट भी नहीं होता और इम्पोर्ट भी नहीं होता, बट ओपन इकोनॉमी में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद में हम जनरली जनरल सी बात कर रहे हैं ये कि जो इकोनॉमी है वो जनरली सब डिवाइडेड होती है तीन पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड हम बात करें तो वो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड हम बात करेंगे वो होती है मिक्स इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। किसकी बात करते हैं हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो राइट्स होते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के, मीन्स किसी भी गुड का प्रोडक्शन करने के राइट और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट पूरे पूरे किसके पास होते हैं, प्राइवेट फर्म्स के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, प्राइवेट फर्म्स के पास होते हैं। और सेकंड अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। क्या होता है वो, प्रॉफिट मोटिव। क्योंकि जो भी आप देखो, अगर प्राइवेट सेक्टर की जो भी गुड अगर आप परचेज़ करते हो तो वो ये नहीं देखते हैं कि आपका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, बट उन्हें तो ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर वो जो गुड है उसको सेल करें, क्योंकि उससे उनका फ़ायदा होगा। तो वो समाज का या सोसाइटी का बेनिफिट नहीं देखते हैं, वो सिर्फ किसका बेनिफिट देखते हैं, खुद का बेनिफिट। तो ये आपके क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स किसके पास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, और यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स पाई जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। सेकेंड ऑफ ऑल हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जस्ट रिवर्स होती है किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। यहाँ पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास, पूरी तरह गवर्नमेंट के पास यहाँ पर राइट्स होते हैं कि वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकती है, और वही क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो सीधी सी बात आप जानते हो कि वो क्या है, किसके लिए करती है, सोशल वेलफेयर। मींस गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। आज आप देखो, हम अगर इंडिया के हैं और यहाँ पर इतनी सारी जो पुअर पर्सन को फैसिलिटीज़ मिलती है, चाहे वो BPL की बात हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो जाए, चाहे वो फ्री हॉस्पिटैलिटी की बात हो जाए, कुछ भी हो, तो ये सब अगर हमें फैसिलिटी मिल रही है तो ये हमें कौन दे रही है, गवर्नमेंट। आज अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो, और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो क्या दोनों का खर्चा आपके इक्वल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपकी भलाई के बारे में सोचती है, तो उसका मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, समाज का कल्याण करना होता है उसका मोटिव। बट अगर हम दूसरी साइड की बात करें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या प्राइवेट फर्म्स होते हैं, तो उनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव होता है। वो खुद लाभ कमाना चाहते हैं और बड़े से बड़ा, मतलब बड़ा बनना चाहते हैं कि हाँ हमारा फ़ायदा ज़्यादा हो। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो पूरे राइट्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं, और जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। अब अगर आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट समझ में आ गई, तो मिक्स, ये जो मिक्स है, मिक्स का मतलब क्या होता है कि
ये जो कैपिटलिस्ट और ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को अगर हम मिला दें, मीन्स अगर हम इन दोनों का सम कर दें, तो वो क्या बन जाएगी आपके मिक्सिंग इकोनॉमी, जहाँ पर हाफ हाफ राइट्स दोनों के पास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास भी होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी होते हैं। मिक्स इकोनॉमी जनरली हमारे जो इंडिया में चलती है, वो भी कौन सी इकोनॉमी चलती है, वो भी मिक्स इकोनॉमी ही चलती है।